हमारे देश और समाज में धर्म जाति के नाम पर नफरत फैलाने वाली कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो इंसानियत पर सवाल खड़े कर देती है। लेकिन इसके विपरीत आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जान पर खेलकर एक मिसाल के तौर पर सामने आ जाते हैं, जिनके लिए प्राथमिकता सिर्फ इंसानियत होती है। कुछ ऐसा ही आज से 33 वर्ष पहले दो मुस्लिम बच्चियों की जान बचाने के लिए स्वर्गीय चांदमल जी ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसानियत की मिसाल पेश करने वाले समाज सेवी स्वर्गीय चांदमल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को बस स्टैंड परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि लोकार्पण कार्यक्रम में शहर के नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अम्बर राव कराड़ा, रूप किशोर नवाब, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम चंद्रवंशी, नारायण प्रसाद पांडे, बसंत कुमार भट्ट, वीरेंद्र व्यास, दिलीप भंवर, तुलसीराम भावसार, रामचंद्र भावसार सहित समाज सेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल मालवीय ने किया। स्वर्गीय चांद मल जी का बलिदान शाजापुरवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। आज से 33 वर्ष पूर्व धनतेरस के दिन शाजापुर मीर कला गेट के पास मुल्ला जी की दुकान में बोरिंग के कुछ टूटे पड़े थे। कहीं अचानक उनमें एक पटाखे का कागज उड़ता हुआ आया और वहां पर भयंकर विस्फोट हुआ। पहले पटाखों की दुकान इसी क्षेत्र में हुआ करती थी। स्वर्गीय राम जी मीर कला गेट के नीचे व्यायामशाला हनुमान जी का चोला लेने गए थे, उसी समय ये विस्फोट हुआ और उनके पास से निकल रहे मुस्लिम समाज की दो छोटी बच्चियों को बचाने में वो बुरी तरह से घायल हो गए। इंदौर में भाई दूज के दिन 1988 को इलाज के दौरान अस्पताल में उनका स्वर्गवास हो गया था। यहाँ यह भी बताया गया कि शाजापुर में दशहरा उत्सव, होली उत्सव, कंस वध उत्सव जैसे सार्वजनिक त्योहारों की शुरुआत उनके द्वारा की गई तथा समाज में उस समय हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश करते हुए अपना बलिदान दिया था। शाजापुर के युवाओं को इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शाजापुर से शैलेश वर्मा की रिपोर्ट। हमारे देश और समाज में धर्म जाति के नाम पर नफरत फैलाने वाली कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो इंसानियत पर सवाल खड़े कर देती है। लेकिन इसके विपरीत आज भी हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी जान पर खेलकर एक मिसाल के तौर पर सामने आ जाते हैं, जिनके लिए प्राथमिकता सिर्फ इंसानियत होती है। कुछ ऐसा ही आज से 33 वर्ष पहले दो मुस्लिम बच्चियों की जान बचाने के लिए स्वर्गीय चांदमल जी ने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए और साबित कर दिया कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसानियत की मिसाल पेश करने वाले समाज सेवी स्वर्गीय चांदमल जी की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को बस स्टैंड परिसर में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि लोकार्पण कार्यक्रम में शहर के नागरिक भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष अम्बर राव कराड़ा, रूप किशोर नवाब, पूर्व विधायक पुरुषोत्तम चंद्रवंशी, नारायण प्रसाद पांडे, बसंत कुमार भट्ट, वीरेंद्र व्यास, दिलीप भंवर, तुलसीराम भावसार, रामचंद्र भावसार सहित समाज सेवी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अनिल मालवीय ने किया। स्वर्गीय चांद मल जी का बलिदान शाजापुरवासी कभी नहीं भूल पाएंगे। आज से 33 वर्ष पूर्व धनतेरस के दिन शाजापुर मीर कला गेट के पास मुल्ला जी की दुकान में बोरिंग के कुछ टूटे पड़े थे। कहीं अचानक उनमें एक पटाखे का कागज उड़ता हुआ आया और वहां पर भयंकर विस्फोट हुआ। पहले पटाखों की दुकान इसी क्षेत्र में हुआ करती थी। स्वर्गीय राम जी मीर कला गेट के नीचे व्यायामशाला हनुमान जी का चोला लेने गए थे, उसी समय ये विस्फोट हुआ और उनके पास से निकल रहे मुस्लिम समाज की दो छोटी बच्चियों को बचाने में वो बुरी तरह से घायल हो गए। इंदौर में भाई दूज के दिन 1988 को इलाज के दौरान अस्पताल में उनका स्वर्गवास हो गया था। यहाँ यह भी बताया गया कि शाजापुर में दशहरा उत्सव, होली उत्सव, कंस वध उत्सव जैसे सार्वजनिक त्योहारों की शुरुआत उनके द्वारा की गई तथा समाज में उस समय हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल पेश करते हुए अपना बलिदान दिया था। शाजापुर के युवाओं को इनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए शाजापुर से शैलेश वर्मा की रिपोर्ट।